समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हम सफर रिजॉर्ट में बिजली चोरी का केस खत्म हो गया है, वो दोष मुक्त करार दी गई हैं और फातिमा ने जमा की गई 32 लाख रुपए की समन राशि के आधार पर केस को खत्म करने की अर्जी दी थी। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुकदमा खत्म कर दिया है। सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ शहर कोतवाली में 5 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें आरोप था कि तंजीम के हमसफर रिजॉर्ट में बिजली की चोरी हो रही थी। उस वक्त डूंगरपुर बिजली घर के जेई राहुल रंजन ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। देखिए, डॉक्टर तंजीम फातिमा साहिब के खिलाफ केस था, साहिबा के खिलाफ बिजली चोरी का। 5/9/2019 को बिजली विभाग ने छापा मारना दिखाया हमसफर रिजॉर्ट पर, और हमसफर रिजॉर्ट पर छापा मारकर 33 किलोवाट की बिजली चोरी का आरोप लगाया गया कि डॉक्टर तंजीम फातिमा द्वारा इसमें 33 किलोवाट की विद्युत चोरी की जा रही है, मीटर से अलग तार डाल, ये आरोप था। दौराने भी इसमें तंजीम फातिमा साहिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 2022 में जब उन्होंने उपचुनाव लड़ा था तो इसमें पैसा भी जमा कर दिया था, क्योंकि NOC चाहिए थी विद्युत विभाग की। वहाँ पैसा जमा करने के बावजूद इसमें चार्जशीट आ गई थी न्यायालय में और केस चल रहा था। दौराने मुकदमा हमने एक एप्लीकेशन 152 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत दी कि इसको जब इसमें पैसा जमा कर दिया गया तो ये केस चल क्यों रहा है। उसमें माननीय न्यायालय ने हमारी बात को माना और उस हमारी एप्लीकेशन को मंजूर करते हुए डॉक्टर तंजीम फातिमा साहिबा को बाइज्जत बरी कर दिया। इसके बाद मामले की सुनवाई MPMLA सेशन कोर्ट में चली। अब जाकर तंजीम फातिमा को बड़ी राहत मिली है। इस साल मई में तंजीम फातिमा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक केस में बड़ी राहत मिली थी। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 24 मई को कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दी थी। जेल से बाहर आने के बाद तंजीम फातिमा ने कहा था कि न्याय की जीत हुई है। रामपुर की अदालत ने खान के तीन परिवार के तीन सदस्यों को जालसाजी का दोषी पाया था। हालांकि हाईकोर्ट से सभी को जमानत मिली थी, मगर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई नहीं हो पाई थी। इसकी वजह यह थी कि उनके खिलाफ और कई अन्य मामले भी चल रहे हैं। स्थानीय कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद 2023 के 28 अक्टूबर से तंजीम फातिमा जेल में थी। अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में कोर्ट ने उन्हें 7 साल की कैद सुनाई थी। ये मामला 3 जनवरी 2019 का है। BJP नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि आजम और उनकी पत्नी ने बेटे अब्दुल्ला के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे।